मंगल, राहु, शनि। मंगल, राहु और शनि, यदि इन तीनों में से कोई भी ग्रह, ये केवल अन्हीं के लिए लिखा गया है, बाद में एक जगह सूर्य को भी इसमें सम्मिलित किया गया, लेकिन प्राथमिकता इन्हीं को देनी चाहिए, मंगल, राहु, शनि। सप्तम स्थान में प्रश्न कुंडली के विद्यमान हो तो संबंध विच्छेद करना, संबंध को तोड़ना, जो पूछने वाला है उसका साथी चाहता है। और यदि मंगल, राहु, शनि लग्न में विद्यमान हो तो जो प्रश्नकर्ता है वो खुद अपने संबंध को, दाम्पत्य संबंध को, वैवाहिक संबंध को समाप्त करना चाहता है। इसके उपरांत दो ग्रह इसमें और सम्मिलित कर दिए गए थे, लेकिन उनका परिणाम इन तीन ग्रहों के तो बहुत ही प्रामाणिकता से देखने को मिले, किंतु जो दो ग्रह अन्य सम्मिलित किए गए, अर्थात अमावस्या का चंद्रमा और सूर्य, इनको भी लग्न और सप्तम में यदि प्रश्न पत्रिका में आएंगे तो जिस स्थान में ये होंगे, अमावस्या का चंद्रमा तो सीधा सीधा अर्थ ये हो गया कि सूर्य चंद्रमा दोनों इकट्ठे होंगे, यदि लग्न में होंगे तो जातक संबंध तोड़ना चाहेगा, और सप्तम में होंगे तो जातक जिसके साथ गठबंधन में वो संबंध तोड़ना चाहता है। इसके इतर, इसके भिन्न वो और कौन सा योग है जो दाम्पत्य में विवाह विच्छेद करवाता है? यदि तर्क संवत समझे तो पहले व्यक्ति की कुंडली के भीतर सप्तम स्थान पाप प्रभाव में होना चाहिए, और यदि सप्तमेश फिर भी कहीं उपचय स्थानों में, सप्तमेश यदि, और उपचय में भी केवल 3 और 11 में कहा गया है, द्वि स्वभाव राशियों में या वायु तत्व राशियों में हो तो पुनः विवाह भी हो जाता है। तो पहले तो ये देखें कि क्या व्यक्ति की पत्रिका के भीतर पुनः विवाह के योग हैं, दूसरा ये देखें कि सप्तमेश कितना बली है। यदि संबंध विच्छेद के योग हैं लेकिन सप्तमेश बली है तो पुनः विवाह हो जाएगा और दाम्पत्य गृहस्थी ठीक से पुनः बस जाएगी। किंतु यदि सप्तमेश बली ना हो और सप्तम स्थान पूर्णतः पाप प्रभाव में हो तो इस बात की आशा की जा सकती है कि फिर दाम्पत्य तो टूट जाएगा और पुनः विवाह, पुनः दाम्पत्य बसने के योग नहीं बनेंगे। इस कारण से यदि मांगलिक योग, विवाह विच्छेद योग, प्रच्छन्न मांगलिक अर्थात छुपे हुए मांगलिक दोष यदि पत्रिका के अंदर विद्यमान हो, वो क्या है पीछे बताया था, सातवें स्थान पाप प्रभाव में हो, सातवें स्थान में अत्यधिक पाप ग्रह बैठे हों, ऐसा भी देखा गया है यदि सातवें स्थान में विरोधाभासी ग्रह अपने विरोधाभासी नक्षत्र विंशोत्तरी दशा नक्षत्र स्वामी के भीतर हो, अर्थात सातवें स्थान में सूर्य से आरंभ करते हैं, सातवें स्थान में सूर्य यदि राहु के और शनि के नक्षत्रों में हो किंतु अनुराधा में ना हो तो ये विवाह भंग करने की स्थिति में लेके आ सकता है।
चंद्रमा, यदि सातवें स्थान में चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में हो तो कई बार ऐसा देखने को मिला है कि ये विवाह को भंग करने की स्थिति ला सकता है, या सातवें स्थान में चंद्रमा केतु के नक्षत्रों में हो। बुध, यदि सातवें स्थान में बुध मंगल के नक्षत्रों में हो तो भी इसी तरह के योग देखने को मिले हैं। बृहस्पति, यदि सप्तम स्थान में बृहस्पति राहु के नक्षत्रों में हो तो दाम्पत्य के लिए समस्याएं लेके आता है। शुक्र, यदि सप्तम स्थान में शुक्र सूर्य के नक्षत्रों में हो, चंद्रमा के नक्षत्रों में हो, तो दाम्पत्य जीवन के लिए समस्याएं लेके आता है। शनि, यदि शनि सातवें स्थान के भीतर मंगल के और सूर्य के नक्षत्रों में हो तो दाम्पत्य के लिए समस्याएं लेके आता है। किंतु इन सब योगों में यदि सप्तमेश अर्थात सातवें स्थान का स्वामी बलि हो, शुभ स्थानों में बैठा हो और किसी भी प्रकार से सप्तम स्थान के ऊपर शुभ ग्रह दृष्टिपात करें, दृष्टि बनाएं, तो दाम्पत्य बना रहता है। तो ये ग्रह नक्षत्रों के अनुसार दाम्पत्य के ऊपर प्रभाव डालते हैं। सप्तमेश यदि छठे स्थान में हो, ये भी पत्रिका के लिए, जन्म पत्रिका के लिए दाम्पत्य जीवन से संबंधित समस्याएं लेके आता है। उसके दो कारण होते हैं। एक, ग्रह अपने भाव से बारहवें स्थान में विराजित होना और साथ साथ बारहवें भाव में भी त्रिक स्थानों में जाना, यानी लग्नेश यदि बारहवें में जाता है तो स्वास्थ्य के लिए समस्याएं लेके आता है, किंतु विदेश की यात्राएं कराता है। लग्नेश यदि अपने से बारहवें स्थान में है तो जन्म कुंडली के बारहवें स्थान में भी है और अपने स्थान से बारहवें में भी है। इसी प्रकार सप्तमेश यदि छठे स्थान में है तो जन्म पत्रिका के छठे स्थान में है और अपने से बारहवें स्थान में, इसलिए विवाह दाम्पत्य से संबंधित समस्याएं लेके आता है। नवमेश यदि आठवें स्थान में हो, नवमेश यदि आठवें स्थान में हो किंतु ये मिथुन लगन के लिए योग नहीं लगेगा। उसका कारण है कि मिथुन लगन के भीतर अष्टम स्थान भी शनि का रहेगा और नवम स्थान भी शनि का रहेगा। यदि नवमेश अष्टम में हो तो कई बार भाग्य व्यक्ति को सहायता सपोर्ट वो नहीं देता है, तो विरोधाभासी नक्षत्रों में ग्रह सातवें स्थान में, तो विरोधाभासी ग्रह सातवें स्थान में अमावस्या, सप्तम स्थान में ग्रहण योग,
कि सब दाम्पत्य के लिए समस्याएं प्रदान करते हैं, किंतु इन सब योगों में इस बात की प्रधानता है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यदि सप्तमेश शुभ हो, बलि हो, षडबली हो, केंद्र त्रिकोण में विराजित हो, तो कई बार ऐसा योग बनते बनते समाप्त भी हो सकता है, अर्थात दाम्पत्य बना रहेगा। और शुभ ग्रह सातवें स्थान को देखें तब भी दाम्पत्य बने रहने के योग बनते हैं। इसके उपरांत था दूसरा विवाह होगा या नहीं होगा। यदि पहला विवाह व्यक्ति का समाप्त हो जाए, विच्छेद हो जाए और व्यक्ति की आयु विवाह योग्य हो और सप्तमेश बलि हो, तो दशांतर दशा में विवाह तो हो ही जाएगा व्यक्ति का। एक योग और भी देखने को मिला है, यदि सप्तमेश वायु तत्व राशि, चर राशि और द्वि स्वभाव राशि, सप्तमेश वायु तत्व राशि, द्वि स्वभाव राशि या चर राशि, अब इसमें मिथुन और तुला में दोनों योग देखने को मिलेंगे। एक वायु, दोनों वायु तत्व भी हैं, द्वि स्वभाव भी हैं, लेकिन एक चर है और एक द्वि स्वभाव है। तो यदि सप्तमेश वायु तत्व राशि, चर राशि या द्वि स्वभाव राशि में शुभ स्थानों में विराजित हो, तो यदि पहला विवाह ना हो, ना स्थाई रह पाए, तो दूसरा विवाह हो जाता है। ये स्थिति के ऊपर भी निर्भर करता है। कभी कभी ऐसा नहीं है कि व्यक्ति इसमें दूसरा विवाह ही करे, हो सकता है उसके जीवन में पहले भी कोई आया हो जिसको वो अपने मानसिक रूप से ये समझता हो कि ये मेरा जीवन साथी होगा और उसके साथ जीवन बिताने के लिए, जीवन चलाने के लिए अपने मन से पूरी तरीके से निष्ठावान रहे, किंतु वो आगे तक ना चल पाए। तो आगे तक यदि नहीं चल पाएगा तो स्वाभाविक है कि उसका कहीं दूसरी जगह ब्याह होगा, विवाह होगा, दाम्पत्य बसेगा। तो इस कारण से ये द्विविवाह योगों में देखने को प्राप्त हो जाएगा। एक योग अन्य भी लिखा है, यदि सप्तमेश दूसरे स्थान में बैठे हों, तो इनको भी कई बार ऐसा देखने को मिला है कि द्विविवाह प्रस्ताव देखने को मिले, अर्थात पहला विवाह भंग हो जाए, पहला दाम्पत्य ना चल पाए, तो दूसरी बार इनको जीवन साथी की प्राप्ति हो जाती है। किंतु इन सब चीजों के लिए शुभ दशाएं, इन सब घटनाओं के लिए शुभ दशाओं की जिम्मेदारी होनी चाहिए। एक ग्रंथ ये कहता है कि, प्रमाणिक ग्रंथ है, कि कोई भी जो योग है, अर्थात कोई भी जो योग है वो तभी घटित हो पाते हैं यदि उसमें दशा सम्मिलित हो। यदि उसके भीतर दशा सम्मिलित नहीं है तो योग तो एक बार के लिए बन सकते हैं लेकिन वो घटित नहीं होंगे। इसलिए योग को बनाने के लिए देश, काल, वातावरण, पात्रता और दशा का आशीर्वाद होना चाहिए। अब यहां देश, काल, वातावरण, पात्र की आवश्यकता को हम कैसे समझें? जैसे
इस पृथ्वी पे ऐसे बहुत सारे देश, ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहां पर दूसरे विवाह को पूर्ण मान्यताएं हैं, या कहीं ऐसा भी हो सकता है, मेरे जानकारी में तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है जहां व्यक्ति दो जीवन साथी एक साथी रख सकता है। तो यहाँ पे हमें देश, काल, वातावरण, पात्र का भी प्रयोग कर लेना चाहिए कि व्यक्ति का जन्म किस देश में हुआ है, उसकी भौगोलिक स्थिति, सामाजिक स्थितियां क्या दूसरे विवाह को मान्यताएं देती हैं या नहीं देती हैं, उसके भीतर जो उसकी कुल परंपराएं हैं क्या वो दूसरे विवाह के लिए मान्यताएं प्रदान करती हैं या नहीं करती हैं। तो जन्म पत्रिका पे विचार करने के साथ साथ इस बात पे भी विचार करना आवश्यक है। इसके उपरांत आया था कि हाँ, प्रश्न ये था कि क्या दूसरा विवाह सस्टेन स्थाई रहेगा या वो भी पहले की तरह बिगड़ जाएगा। तो ये देखने को मैंने उस ग्रंथ के भीतर ये उक्ति पढ़ी कि कोई भी जो योग हैं वो प्रथम दृष्टि के लिए देखे गए हैं, दूसरी दृष्टि के लिए अर्थात यदि विवाह दूसरी बार देखा जा रहा है तो उसमें कोई मांगलिक दोष आदि देखने की आवश्यकता नहीं है। यदि विवाह दूसरी बार हो रहा है तो उसमें कोई वैधव्य योग, विदुर योग देखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कहता है। लेकिन फिर भी सेफर साइड में ये कहें कि यदि जन्म पत्रिका में सप्तम स्थान पाप प्रभाव में हो, सप्तमेश पाप प्रभाव में हो, तो जीवन में तीन घटनाएं किसी भी भाव से संबंधित व्यक्ति को प्राप्त होती ही हैं। हर भाव के भीतर तीन तत्व विद्यमान हैं, धातु, मूल, जीव। अर्थ क्या है इसका, और ये जीवन में आपके बहुत काम भी आएगा। धातु अर्थात उस भाव से संबंधित उत्पादन, प्रोडक्टिविटी, वस्तु क्या है। मूल, उस भाव के अंदर शरीर का, देह का, तन का कौन सा भाग छुपा हुआ है। जीव, उस भाव के अंदर किस जीव के बारे में संकेत मिलता है। क्योंकि यहाँ पे दाम्पत्य के ऊपर बात चल रही है तो स्वाभाविक है कि सातवां स्थान धातु के रूप में व्यापार, यात्राएं और व्यापारिक साझेदारी के बारे में बताता है। मूल, सातवां स्थान व्यक्ति का जो नाभि से नीचे का स्थान है, जेनेटिक ऑर्गन्स, जनन अंग, उनके बारे में संकेत देता है। जीव, सप्तम स्थान व्यक्ति के दाम्पत्य के बारे में अर्थात उसके उसकी जीवन संगनी या कन्या की पत्रिका में उसके वर के बारे में संकेत देता है। तो यदि सप्तम स्थान किसी भी प्रकार से पीड़ा में होगा तो इस बात का सदैव संज्ञान होना चाहिए कि व्यक्ति को इन तीनों में से कभी एक, कभी दूसरी और कभी तीसरी पीड़ा जीवन में बनी रह सकती है। अर्थात कभी जेनेटिक ऑर्गन्स से संबंधित, कभी जीवन साथी से संबंधित और कभी साझेदारी, व्यापार, यात्राएं, इससे संबंधित पीड़ाएं व्यक्ति के जीवन में देखने को प्राप्त होंगी। किंतु यदि सप्तमेश बलवान हो तो ये सारी पीड़ाएं अत्यधिक सीमा में, नियंत्रण में भी रहेंगे। यदि सप्तमेश निर्बली हो, सप्तम स्थान भी पीड़ित हो और दशाएं भी विपरीत चल रही हो
तो स्वाभाविक है कि कोई भी घटना अनुकूल ना हो और उससे संबंधित प्रतिकूल घटना घट जाए। तीसरा प्रश्न था मांगलिक दोष और परिहार। लग्न में यदि मंगल बैठा हुआ है किंतु स्वराशि का वृश्चिक और मेष राशि का, चतुर्थ स्थान में यदि मंगल बैठा हुआ है वृश्चिक मेष का, सप्तम स्थान में यदि मंगल बैठा हुआ है मेष वृश्चिक का, अष्टम स्थान में यदि मंगल बैठा हुआ है मेष वृश्चिक का, द्वादश स्थान में यदि मंगल बैठा हुआ है मेष वृश्चिक का और इससे अन्य मकर का, तो मांगलिक दोष का जो तीव्रता है वो न्यूनतम हो जाएगी, बल्कि वो मांगलिक योग में घटित हो जाएगी। अर्थात वह व्यक्ति मांगलिक कार्यों में ऊर्जावान तरीके से अपने आप को लगा के रखे। इसके साथ साथ दो तीन और इसमें ग्रंथों में मांगलिक दोष विचार में मांगलिक योग विचार में संज्ञाएं दे रखी है। यदि मंगल के भीतर इन स्थानों के ऊपर कोई शुभ ग्रह, उसमें बृहस्पति और पूर्ण बलि चंद्रमा कहा गया है, वो दृष्टि बनाए तो भी मांगलिक दोष भंग हो जाता है। अर्थात यदि लग्न में बैठे हुए मंगल को बृहस्पति देखते हैं, चौथे स्थान में बैठे हुए मंगल को बृहस्पति देखते हैं, सातवें आठवें बारहवें स्थान में बैठे हुए मंगल को बृहस्पति देखते हैं, या इन्हीं स्थानों के अंदर पक्ष बलि चंद्रमा मंगल के साथ हो या मंगल से विपरीत भाव में उसको पूर्ण दृष्टि से देखे, तो भी मांगलिक दोष को भंग करने के लिए ज्योतिष के ग्रंथों में विवेचना की गई है। कुछ जगह पे इसमें बाद में बुध को भी सम्मिलित किया गया है, लेकिन देखने को ये मिला है यदि मंगल के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि हो या पक्ष बलि चंद्रमा उसको देखे तो काफी सीमा तक मांगलिक दोष नियंत्रण में रहता है। लेकिन मांगलिक दोष है क्या? ये व्यक्ति को ऊर्जावान बनाता है। लग्न में बैठे व्यक्ति के ऊपर अपने आप पे ऊर्जा इतनी अत्यधिक रहती है कि वो उनको नियंत्रण करने में अक्षम होता है, तो ऐसे व्यक्ति को ऊर्जा से संबंधित कामों में जोड़ के रखना चाहिए जिससे मांगलिक दोष संतुलन में रहे। चौथे स्थान में यदि मंगल है तो व्यक्ति अपने जीवन साथी या उसके परिवारजनों से संबंध में तीक्ष्णता कटुता रखता है, तो ये देखना चाहिए व्यक्ति कितना मिलनसार है, तो स्वाभाविक है कि मांगलिक दोष का परिहार अपने आप ही हो जाएगा। जन्म पत्रिका में सप्तम और अष्टम स्थान में मांगलिक दोष का विशेष विचार कहा गया है और उससे भी ज्यादा अष्टम स्थान में कहा गया है। अर्थात लड़के की पत्रिका में सप्तम स्थान और लड़की की कुंडली में अष्टम स्थान में मांगल्य दोष का विचार करना चाहिए, मंगल दोष का विचार करना चाहिए। तो सातवें स्थान में जीवन साथी के प्रति ऊर्जा क्रोध उत्पन्न करता है। आठवें स्थान में औचक अचानक से आने वाली दुर्घटनाओं को संकेत देता है। द्वादश स्थान व्यक्ति के शयन कक्ष का भाव है, तो शयन कक्ष के भीतर ऊर्जाएं भरता है और व्यक्ति की निद्रा से संबंधित समस्याएं आ सकती है, या अपने निज संबंधों के भीतर अत्यधिक ऊर्जावान वास हिंसात्मक तरीके से अपने संबंधों को बनाने का प्रयास कर सकता है। इसलिए यदि इन स्थानों पर मंगल हो
किंतु बृहस्पति शुभ दृष्टि से उसे देखता हो या चंद्रमा पक्ष बलि में उसके साथ हो या उसे देखे, तो मांगलिक दोष के निवारण के लिए कहा गया है। दूसरा, यदि व्यक्ति वर या कन्या के लिए इस प्रकार का यदि उसमें कोई योग है तो यह देखना चाहिए कि दूसरे की पत्रिका अर्थात जो उसके लिए प्रस्तावित जन्मांग आया हुआ है, जो उसके लिए किसी का प्रस्ताव आया हुआ है, तो उन स्थानों में यदि उसी स्थानों में मंगल हो तो ये भी मांगलिक दोष के भंग में आता है। और यदि उन्हीं स्थानों में और कोई क्रूर ग्रह हो, जैसे सूर्य, राहु, शनि, तो भी ये मांगलिक दोष के परिहार में विचार किया जाता है। इसे दोष साम्य कहा जाता है। नेगेटिव नेगेटिव इज पॉजिटिव, नकारात्मक नकारात्मक, दो चीजें मिलके सकारात्मक रूप में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार से ये मांगलिक दोष के बारे में विचार कहे गए हैं। किंतु इन सभी योगों के भीतर बार बार एक ही बात दोहराते हैं कि सप्तमेश यदि बलि है तो उन सभी दोषों पर नियंत्रण आ जाता है। दिशा विचार, दिशा विचार पहले के समय में किया जाता था। सप्तमेश हमारी जन्म पत्रिका के भीतर जो भाव बताए हैं, लग्न को पूर्व, सातवें स्थान को पश्चिम, चौथे स्थान को उत्तर, दसवें स्थान को दक्षिण, और इसके बीच में उपदिशाएं भी हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो सप्तमेश जिस भाव के साथ संबंधित हो उस भाव से संबंधित दिशा विचार कहा गया है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में यह संभव नहीं है। यह पूर्व काल में कहा गया था, वर्तमान स्थिति में संभव नहीं है और ऐसा देखने को भी प्राप्त नहीं होगा। प्रश्न के भीतर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न यदि कोई पूछे कि भाई सारी बातचीत चल रही है, सात आठ प्रस्ताव आए हुए हैं, तो कहां से होगा, तो सप्तमेश जिस भाव से संबंध बना रहा है उस भाव की दिशा को प्रधानता देके व्यक्ति को परामर्श देना चाहिए। दूरी विचार, सप्तमेश अपने भाव से जितनी दूर है, अब यहां लग्न से नहीं कहा गया, सप्तमेश अपने भाव से जितने दूर है उसके बारे में संकेत मिलता है, तो व्यक्ति को उतनी दूर से विवाह करना का योग मिला है। जैसे सप्तमेश अपने भाव से दूर है तो विवाह में दूरी बताता है, उसी प्रकार सप्तमेश अपने भाव से जितना दूर है तो उसके बारे में योजन कोष कहे गए हैं। मूलतः आज के परिप्रेक्ष्य में ये भी संभव नहीं है, क्योंकि दूरियां बहुत सीमित हैं, सीमाएं बहुत समीप हैं। ऐसा जरूर देखा गया है कि सप्तमेश यदि नौवें स्थान में हो, बारहवें स्थान में हो, तीसरे स्थान में हो, तो थोड़ा दूरी से विवाह के प्रस्ताव आते हैं। केंद्र में हो तो समीप से आते हैं, ऐसा इसमें विचार में आता है। इसके उपरांत आपका सबसे अंतिम प्रश्न है अष्टकूट के बारे में विवेचना। तो अष्टकूट में आठ प्रकार के जो योग हैं उनके बारे में बताया गया है। वो कौन कौन से आठ प्रकार के योग हैं? तारा, वर्ण, वश्य, योनि, उनके बारे में एक दे देते हैं आपको संकेत।
और उनसे क्या देखने को प्राप्त होता है वो भी समझ लेते हैं। अष्टकूट में जो आठ कूट कहे गए हैं वो व्यक्ति की मानसिक और एक सेकंड वर्ण वश्य तारा योनि ग्रहमैत्री गण भकूट और नाड़ी, ये आठ प्रकार के कूट उत्तर भारत में प्रचलित हैं। दक्षिण भारत में 10 कूट तक विचार किए गए हैं, उनमें रज्जु विचार आदि का भी योग कहे गए हैं। वर्ण, वर्ण का चार प्रकार के वर्ण बताए हैं, क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण। यहां वर्ण का अर्थ है व्यक्ति की जो मनोस्थिति है वो किस प्रकार की वर्ण की है। यहाँ कोई जाति से इसका किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। तो जो क्षत्रिय वर्ण के व्यक्ति होते हैं उनके अंदर आक्रामकता, तीव्रता और दूसरे को सुरक्षा देना, ये उनके स्वभाव में छुपा रहता है। वैश्य वर्ण, वैश्य वर्ण व्यापार का प्रतीक है, तो ऐसे व्यक्ति के भीतर व्यापारिक कला कौशल चतुराई छुपी रहती है। ब्राह्मण, ब्राह्मण तत्व के भीतर व्यक्ति के अंदर शिक्षक जैसी प्रवृत्ति होती है कि मैं किसी को कुछ सिखाऊं। और अंतिम वर्ण ज्योतिष के अनुसार, तो उसमें सेवा भाव बहुत रहता है कि मैं किस प्रकार से लोगों की सेवा करूं। तो जब विपरीत विरोधाभासी तत्व आपस में मिलेंगे तब ये समस्याएं आ सकती है कि एक व्यापारिक प्रवृत्ति का है और एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति का है। क्षत्रिय वर्ण इसमें सबसे ऊपर बताया गया है, तो अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों की रक्षा करने वाले होते हैं, लेकिन क्षत्रिय व्यापारी नहीं हो सकता। इस कारण से विचारों में असमंजता आती है। इसके बाद आता वश्य, वश्य में कई प्रकार के जीव जंतुओं के बारे में विचार कहा गया। इसमें एक दूसरे के ऊपर अधिपत्य के बारे में कहा गया है कि कौन किस पे अधिपत्य रखेगा। जैसे मनुष्य सभी प्रकार के जीव जंतुओं पे अधिपत्य कर सकता है अपनी बुद्धि कला के द्वारा, किंतु जो वनचर है वो मनुष्य के ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके अंदर बुद्धि नहीं होती है। तो कौन किसके ऊपर अपना आधिपत्य रख पाएगा ये इस बारे में वश्य विचार में कहा गया है। अर्थात कन्या या वर में से कौन अपना आधिपत्य, कौन अपना नियंत्रण दूसरे के ऊपर कर पाएगा उसके बारे में वश्य बताता है। इसका अर्थ है वश में करना, नियंत्रण में रखना। तारा विचार,
जन्म पत्रिका में 9 तारे हैं, जन्म संपत विपत आदि, और उन 9 तारों के भीतर यदि एक के तारे से दूसरे का तारा 3, 5, 7 अर्थात विपत प्रतिहारी वध तारा बन जाए तो ये प्राण घातक होता है स्वास्थ्य की दृष्टि से। योनि विचार, योनि का अर्थ यहां एक दूसरे के प्रति प्रणय संबंधों में संतुष्टि के बारे में कहा गया है। एक व्यक्ति का जो स्वभाव है, प्रकृति है, वो किस मनुष्य योनि है या फिर आपके मूषक योनि है, वानर योनि है, उसके बारे में कहा गया। तो एक विवाह दाम्पत्य एक दूसरे को मानसिक, आर्थिक, सामाजिक एवं शारीरिक सभी प्रकार के सुख प्रदान करने का रीत है, प्रचलन है, प्रथा है। तो इस कारण से दाम्पत्य जीवन का एक अभिन्न अंग, एक दूसरे के प्रति संतुष्टि का भी है, इसीलिए उसमें योनि विचार कहा गया है। ग्रह मैत्री, ग्रह मैत्री का मुख्य अर्थ है जो दोनों के चंद्र राशि के ग्रह हैं वो एक दूसरे से क्या संबंध है उनका। यहां नैसर्गिक ग्रह मैत्री का विचार कहा गया है। तो सूर्य शनि की आपस में ग्रह मैत्री नहीं बनेगी, चंद्र शुक्र की आपस में ग्रह मैत्री नहीं बनेगी। तो चंद्र राशि में एक का ग्रह कौन सा है, दूसरे का ग्रह कौन सा है, उनसे उसकी बारे में पता चलता है। गण, मनुष्य, राक्षस, देव, मनुष्य सौम्य स्वभाव के, राक्षस क्रिएटिव, बहुत ज्यादा ऊर्जावान, क्रियात्मक, देव सदैव क्षमा करने वाले। तो एक व्यक्ति यदि बहुत ज्यादा क्रियात्मक है और दूसरा व्यक्ति बहुत ज्यादा स्थिर है तो ग्रह मैत्री नहीं बन पाएगी, गण नहीं मिल पाएंगे। भकूट, एक राशि दूसरी राशि से किस स्थान पे है, यहां चंद्र राशि का विचार है। जैसे मेष राशि के लिए कन्या राशि छठे स्थान में है और कन्या राशि के लिए मेष राशि अष्टम स्थान में, तो ये भकूट विचार में षडाष्टक कहे। तो यदि राशि विचार में षडाष्टक ग्रह राशियां हैं तो ये भकूट के भीतर आएगा और व्यक्ति की मानसिक स्थिति आपस में सामंजस्य नहीं बिठा पाएगी। अंत में नाड़ी विचार, नाड़ी विचार मूलतः परिवार को आगे बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से कही गई है। आदि, मध्य, अंत, प्रथम, बीच की और अंत नाड़ी, 3 नाड़ियां कही गई। एक ही प्रकार की नाड़ियों में विवाह के लिए मना किया गया है, किंतु एक ही नाड़ी के भीतर विशेषतः एक ही नक्षत्र और एक ही पद के लिए ये सबसे ज्यादा प्रचलित है। अब इन सबके परिहार भी समझ ले। वर्ण के लिए कोई बहुत विशेष परिहार है नहीं। वश्य के लिए यदि ये देखें कि एक व्यक्ति दूसरे के ऊपर अधिपत्य करने वाला है किंतु दूसरा व्यक्ति सामंजस्य बिठाने वाला है, तो वश्य में यदि गुण कम भी हैं तो चिंता नहीं करनी चाहिए। तारे के बारे में विचार जरूर कर लेना चाहिए। तारा एक महत्वपूर्ण अंग है, वैसे तो सभी के सभी महत्वपूर्ण अंग है। यदि
उसमें भी यदि एक तारे से दूसरा तारा बद तारा है तो उसको छोड़ देना चाहिए। गिनती गणितीय विषय है, उसको अलग से किसी दिन समझा देंगे। योनि विचार जरूर करना चाहिए, बढ़ते हुए भौतिक जीवन के अंदर एक दूसरे के प्रति कितना आकर्षण बना रहेगा। यदि एक व्यक्ति नीरस है और एक व्यक्ति बहुत ऊर्जावान है तो आपस में कहीं ना कहीं संबंधों में कटुता आ सकती है। तो शुक्र और मंगल के बल से, सप्तम स्थान के बल से योनि विचार के ऊपर भी आप विचार किया जा सकता है। ग्रह मैत्री विचार जरूर करना चाहिए। बिल्कुल विरोधाभासी ग्रह समस्याएं लेके आते हैं। गण के भीतर कोई बहुत विशेष विचार का, यद्यपि इसके अंक बहुत अधिक हैं, लेकिन बहुत इसमें विशेष विचार की आवश्यकता है नहीं, ऐसा मैं समझता हूं। बकुट में यदि एक ही राशि की, कभी कभी दो, एक ही ग्रह की दोनों राशियां आपस में षडाष्टक हो सकती हैं, वहां पे इसको मान्यता दे देनी चाहिए। और नाड़ी के भीतर यदि पंचम स्थान बलवान है और व्यक्ति का लगन ठीक है तो नाड़ी दोष को भी विचार से बाहर निकाल सकते हैं और प्रस्ताव पे विचार कर सकते हैं। तो आपके प्रश्न थे विवाह विच्छेद, डाइवोर्स, सेकंड मैरिज, अष्टकूट, मांगलिक दोष और दिशा। ये सब आप लोगों के साथ आज साझा कर दिए। अब आपका प्रश्न काल है, तो जो प्रश्न आपके बचे हुए हैं